वही हम लोग स्टेबिलिटी वाला ही क्वेश्चन देखेंगे, कौन हाँ सर, ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, वही वाला है। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके हाँ सर, आदि यही वाला किया था लास्ट वाला, याद है तुमको? हाँ सर, सर इसके चलो सिमरन अंदर, तुम बताओ। हाँ अच्छा ठीक, हाँ स्टेबिलिटी हाँ हाँ स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊँ? हाँ फर्स्ट देन फोर्थ, फर्स्ट देन फोर्थ, फर्स्ट, देन फोर्थ वन, और नहीं, 2 मिनट, फोर्थ थर्ड, या ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ओके फर्स्ट के बाद डायरेक्टली फोर्थ, राइट? नहीं सेकेंड, कंफ्यूजन तो नहीं पता, सेकेंड ओके थर्ड ओके फोर्थ, थर्ड चलो ठीक है। सेकेंड फर्स्ट के बाद फोर्थ, सेकेंड, फिर फिर थर्ड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर फिर फोर्थ। फोर्थ। ओके आदि तुम्हारा आंसर बोलो। सर देखो तो 3 1 2 4 लग रहा है। 3 1 2 4। देखो मेरे को क्या लगता है ना, मैं वो बाद में बताता हूँ, पहले मैं इफेक्ट बताता हूँ। NH2 का यहाँ पे लोन पेयर है तो ये प्लस एम दिखाएगा, हाँ राइट? यस सर, और यहाँ से माइनस आए तो लगने वाला नहीं है क्योंकि ये फोर्थ कार्बन पे है, हाँ राइट? हाँ सर, दूसरा देखो वन यहाँ पे। थ्री हाँ टू फोर 1 3 2 4, अभी ठीक हाँ है, सर, अभी सही। 1 3 2 4 है, 1 3 2 4, ये माइनस आए दिखाएगा सिर्फ, हाँ सर, ये बाद में प्लस आए प्लस आए दिखाएगा। दिखाएगा और बाद में कुछ नहीं अच्छा दिखाएगा, तो सर प्लस एम डोमिनेट कर देगा प्लस आई से, तो 1 3 2 4 सर, मैं लास्ट में सही बोला था ना, 1 3 2 4 भी नहीं होगा, 1 3 4 2 होगा। अरे हाँ 1 3 4 2, माइनस आई, गलती अरे सर, हुआ ना आखिर में। हाँ हाँ ठीक है मतलब सर, OH का लोन पेयर काम नहीं करता उसमें, मेटा पोजीशन पे है ना, अच्छा ठीक, पता हाँ है ना, मेटा से प्लस एम नहीं लगता, माइनस एम प्लस भी नहीं लगता, कुछ, हाँ मेटा से कुछ, अच्छा पता है ना उसमें क्यों सिर्फ वो? सर डिडक्टिव इफेक्ट, नहीं, मेरे को नहीं पता, नहीं, ये पता नहीं कि मेटा से नहीं लगता ये इफेक्ट। नहीं ये पता था लेकिन अच्छा दिमाग में अच्छा नहीं था, लेकिन क्यों नहीं आदि, लगता नहीं हाँ पता, सर, अच्छा क्यों नहीं लगता वो नहीं पता है नहीं, हाँ आदि? यू सर, नो क्या सर, ये मेटा से इसका माइनस एम वो क्यों नहीं रेजोनेंस में लगता? मेटा पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती, वही क्या, राइट राइट हाँ हाँ वही वही वही, अच्छा हाँ फिर होता मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना इसका है तो मेटा पे तो नहीं, मेटा पे नहीं आएगा। हाँ, ठीक पता है नहीं, आधे क्लियर ना? हाँ सर, ओके 1 3 4 2, अच्छा ठीक है, चलो सर 4, बाद में
सर बाद में वो 2 3 सर देखो 4 और लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा इतना पता है। बाद हाँ सर एक सेकेंड सर 3 2 आएगा, 3 2 आएगा आनंद ओके सर सिमरिन शायद सर। मेरा अलग है, मतलब 1 1 4 3 2 ऐसा। ओके मेरा देखो क्या है, 1 फिर उसके बाद आ जाएगा सर्वान कैसे सर? अरे ओ एच सॉरी, 2 मिनट, का, 1 3 4 2 प्लस एम लगेगा, ओ एच का प्लस एम लगेगा, इसका माइनस आई लगेगा, इसका भी माइनस माइनस आई लगेगा, हाँ और वन माइनस आई सेकेंड वाले का ज्यादा होगा क्योंकि उस पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, हाँ 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 1 3 4 2 हाँ राइट राइट तो 2 सबसे लास्ट में आएगा, फिर उसके हाँ हाँ बाद 3 थ्री आएगा आएगा हाँ हाँ समझा। और फिर 4 आएगा। ये राइट आंसर है, सब हाँ सर गलत, हाँ सर सब झंडू बच्चे। चलो आगे देखो। अच्छा ये समझ में आ गया ना, चलो नेक्स्ट। अरे ऐसे ऐसे हम लोग कम से कम, मतलब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे कम से कम 300 400 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की थी हमने, तब कहीं जाके हमको ये सब आया, पता है क्या? ऐसे डायरेक्ट आप नहीं, इतना फास्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, हाँ इसीलिए सर लोग को दो दो तीन तीन साल लगते हैं आदि। हाँ सर ये तो खैर नीट दे रहे हो, एडवांस एडवांस देते तो बाप रे बाप, नीट का बहुत लो लेवल होता है। सिलेक्शन रेशियो भी कम होता है। हाँ नहीं आईआईटी से भी, आईआईटी से तो ज्यादा ही होता है, आईआईटी का तो बहुत कम होता है। और ऊपर से आईआईटी भी मतलब कम ही रहता है, नीट वाले बहुत नीट है। का तुम्हारा कम से कम समवॉट अराउंड, लाइक मैं बताता हूँ, 60,000 सीट है इंडिया में रफली हाँ बोलूँ सर तो। सीट 17 लाख बच्चे भी है सर। हाँ क्या तो इसके अंदर सीट ज्यादा जी, है? आईआईटी में सीट ज्यादा है लेकिन अच्छा नीट में आईआईटी में सीट सीट कम ज्यादा है है, सर। आईआईटी में आपने गिन मेरे गिन को के बोला 10,000, था, आपने मेरे को बोला था कि जेई में सीट ज्यादा है, जेई के थ्रू इंजीनियरिंग है ना, उसमें अरे सीट हाँ ज्यादा वही है। वही वही मेरा वही मतलब था। आईटी बहुत रेप्यूटेड है, उसमें जल्दी मिलता नहीं है किसी को, हाँ सर वो गलती से ऐसे बोल गांव रहा में, ऐसे गांव में दूर दूर तक तुम्हारे अगल बगल में बिल्डिंग बिल्डिंग में ऐसे मिलेगा नहीं कोई आईटी ने। हाँ सर ये नॉर्मल इंजीनियर मिल जाएंगे आपको, हाँ इंजीनियर हाँ आएंगे लेकिन हाँ उधर 10,000 ही सीट होती है, उसपे से आपको ये बॉम्बे उम्बे के लिए तो टॉप 2,000 ऐसा रैंक चाहिए, 2,000 भी हाँ बहुत टू ज्यादा हो गया, थाउजेंड रन टॉप 1,000 उजन वाले रहते हैं और वो बहुत कम ऐसे मिलते हैं। चलो देखो, अच्छा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पता चल गया ना सब में कहाँ कहाँ पे। हाँ सर हाँ चलो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। सर देखो मैं बोलता हूँ सर टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, लाइक आपके पास 1 मिनट है तो सर क्वेश्चन तो बना रहेगा। एक हाँ सेकंड सर रुको सर। 3 सबसे ज्यादा होना चाहिए। स्टेबल, हाँ ओके फिर 3 2 1 शायद से ओके सिमरन, सेम। हाँ सर वो प्लस आई इफेक्ट लगेगा बाद में, 2 में सिर्फ एक जगह से लगेगा और 7 में नहीं लगेगा, वो फर्स्ट में नहीं हाँ लगेगा, फर्स्ट में हाँ नहीं लगेगा। राइट है, फर्स्ट वाले में एक जगह से ही लगेगा, ये प्लस आई लेकिन ये भी नहीं लगेगा, इसका माइनस आई लगेगा बिकॉज ये हाँ सारा, वो ऑक्सीजन का आ जाएगा ना सर बीच में। और यहाँ पे भी माइनस आई लगेगा इसका, लेकिन एक कम से कम एक तो प्लस आई दिखा एक रहा है ना प्लस ये, आई दिखा रहा है। हाँ प्लस सर और इधर ये हाँ प्लस आई दिखा रहा है, इसका माइनस आई कम होगा, नो डाउट इसका प्लस आई नहीं होगा, इसका माइनस आई ही अच्छा होगा, लेकिन ये कम होगा, कम होगा कम माइनस, होगा थोड़ा इफेक्ट दूर कम है। होगा हाँ उसका, थोड़ा दूर है, बराबर ना। सर हाँ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कार्बन के बगल में ये, यहाँ पे CH2 आया तो ये प्लस आया, नहीं इसके बगल में CO लगा हुआ है, हाँ सर समझे, वो खींचेगा ही तो खींचेगा, माइनस बराबर। है। हाँ ऐसा है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब इसी को लेके ना लोग बहुत सारे रिएक्शन पूछेंगे, हाँ आगे हाँ रिएक्शन सर मैकेनिज्म में लोग देखोगे SN1 आएगा, SN1 का जहाँ जहाँ कार्बोकेटाइन बनता है ना सब जगह हाँ SN1 आ हाँ जाता है, SN1 लग हाँ तो ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। रस हम्म
ट्रीट करना है उसको। ये फ्री रेडिकल है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है फाइन ओके। मैं बताओ चलो सिमरन फर्स्ट। थर्ड मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रही। थर्ड हाँ बेंजाइल ज्यादा। हाँ फिर ये अलाइल। तो थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट प्रोबेबली सर मेरे को तो बेंजाइल। 3-4-2-1 लगा था। तेरे को आधी 3-4-2-1 थ्री फोर टू वन। वन ओके मैं मेरा बताता हूँ। अरे यार थ्री टू वन फोर। क्या है थ्री टू देखो यहाँ तक, यहाँ तक सिमरन का और यहाँ तक हम सबका सेम है राइट ना। तो असली जो झोल हुआ वो फर्स्ट और फोर्थ वाले में होगा, तो हम फर्स्ट और फोर्थ को देखेंगे राइट। अरे हाँ सर फर्स्ट वाला एक भी तो सेकंड सर, सर फोर्थ फर्स्ट वाले वाले में क्या ना है यार। इसका रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस है। अरे हाँ ये हाँ भी अलाइल है यार मैंने और भी देखा। ये सिर्फ प्लसा है, हाँ सर मैं प्लसा है रेजोनेंस और दिमाग से रेजोनेंस हटाया नहीं डोमिनेट यार। होता है प्लसा हाँ है। सर डोमिनेट। हाँ। मैं बताया था भूल ना गया। पापा का प्यार और सहेली का प्यार। हाँ सर रेजोनेंस वाला पापा भूल गया था डोमिनेट हो सर। जाएंगे बट गलती हाँ हो जाती है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लोगों से भी गलती हो जाती है, उनको प्यार समझ में नहीं आता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बता दो। दो मिनट। ये फ्री रेडिकल है। हाँ सर मेरे बोलो को अभी। सर जो थर्ड वाला रहेगा उसको एक सर 3-2-1 हो सकता है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है लेकिन मेरे को नहीं पता कि सही है कि गलत है। ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जो सही गलत है ना ये आपको तभी पता चलेगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए रहोगे या फिर बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए रहोगे, हाँ समझे सर। क्या? ये कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिक में उसी को आता है जिसने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हो। हाँ सर मेरा पहले का वीडियोस भी देखना बाकी है। मैंने अभी तक देखा ही नहीं टाइम भी नहीं मिला। अरे बाबा देख ले जल्दी, नहीं तो फिर अरे आ सर जाओ ना मेरा अभी। कल ठीक 9 बजे तक लेक्चर था सर। वो फालतू में बैठा के रखता सर। थ्री है ठीक है। चलो सिमरिन 1-2 पता नहीं। 3-1-2। आदि का सही हो गया। देखो यस क्या है सिमरन सुनो जरा, ये हाँ देखो इसमें रेजोनेंस लगेगा पता है ना, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा हाँ ऐसे, और इसमें रेजोनेंस पूरा यहां से लेके यहां से लेके यहां तक रहेगा रेजोनेंस बराबर, यहाँ तक। और अच्छा इसमें यहां मतलब से लेके हाँ ऐसा ऐसा नीचे ऐसा तक। हाँ वो तो समझा ये पूरा दुकान, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। उतना बट ज्यादा। हाँ ये सर या लास्ट फिर क्लास में ऐसा मैंने बोल सकते पढ़ाया हैं क्या था। कि कोवैलेंट बॉन्ड जितना ज्यादा है नहीं, बाबा उसमें। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मत लगाना। कोवेलेंट बॉन्ड तब अच्छा लगाते हैं जब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, एक ही ओके ओके मॉलिक्यूल पे ओके ठीक डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, है ये समझा अलग अलग समझा मॉलिक्यूल है, समझा? समझा। हाँ सर वो कोवेलेंट बॉन्ड और वो सब कंसेप्ट तभी लगता है जब एक ही मॉलिक्यूल का अलग 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 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो, हाँ सर ये समझा। मॉलिक्यूल ही अलग अलग है, हाँ सर समझा समझा। ध्यान रखना। चलो दूसरा कंसेप्ट आ गया अभी, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अच्छा तो इसका की पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस नेगेटिव एन एम या स्लैश फिर माइनस नेगेटिव एन, आर इनवर्सली नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू प्लस एन प्लस एंड एम प्लस प्लस एन, आर। हाँ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अच्छा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। हाँ
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं. हाँ सर, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, राइट? हाँ सर. अब जैसे यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, यहाँ पे ओ के ऊपर यूजुअली प्लस सेम और रेजोनेंस को एक ही लेके चलता है ना बहुत जगह. देखो प्लस एम और होता क्या है पता है, यही मतलब मतलब प्लस ये सिमरन, ये जो है ना, ये तुम लास्ट क्लास वाला वीडियो देख लोगी ना तो समझ में आ जाएगा तुमको. उसमें मैंने शायद से प्लस एम और प्लस आर बताया, नहीं 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 शायद उसके भी पहले वाले में बताया था ना आदि, सर लास्ट क्लास में ही प्लस एम और प्लस आर बताया था. लास्ट क्लास में ही. हाँ सर. ओके, तो ठीक कुछ है भी मैं होता है देख दोनों लूँ. सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं. रेजोनेंस को जब डायरेक्शन मिल जाता है ना तो उसको प्लस एम बोलते हैं और माइनस एम बोलते हैं, ऐसा है. जैसे इधर अच्छा. देखो, चलो इन शॉर्ट बताता हूँ मैं तुमको, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे भी जा सकता है, राइट? और ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकते. राइट? अब जरा देखना, अब ये वैसे नहीं जाएगा, अब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में सिर्फ जाएगा, राइट साइड में जाएगा. बराबर? तो इसको समझ. बोलेंगे ये ग्रुप माइनस एम कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, या फिर इसमें वो माइनस आर बोलोगे, समझे? सर वो है ना इलेक्ट्रॉन चार्ज बाकी मतलब वो आगे का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का कम कर रहा है, मतलब आगे जो भी कार्बन है ना वो लोग का हाँ, इलेक्ट्रॉनिक उसकी चार्ज इलेक्ट्रॉन कम कर. डेंसिटी कम कर रहा है, हाँ बराबर? सर. समझा ना? डन ना? अभी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे OH नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C2H5O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज. ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, हाँ, लेकिन डरने का नहीं, सबका स्ट्रक्चर देख. तो देखो यहाँ पे ये प्लस आई दिखाएगा, ये सारे प्लस आई दिखाएगा, प्लस आ बराबर? दिखाएंगे. हाँ सर, तो इतना स्टेबल नहीं होएगा वो. और यहाँ पे इसका इक्वल आर एस बनेगा, यहाँ पर सर ऑक्सीजन खींच लेगा ना नेगेटिव वाला, मतलब एक ऑक्सीजन उसका ले लेगा तो वो दर्द कम कर, हाँ ऐसा इक्वल सोच आर एस सकता है ना. बनेगा, इक्विवेलेंट वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना. हाँ हाँ इक्वल हाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा. और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्री 3.5 पॉइंट होती है, हाँ सर. ओके? और इस ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, बट इसका प्लस आया है. प्लस आए. और हाँ सर. हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस लेते हैं, हाँ ओके? सर. रेफरेंस रेफरेंस मतलब ना ज्यादा ना कुछ देता है ना कुछ लेता है, हाँ राइट? और सही. थ्री NH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है नाइट्रोजन की. होती है. हाँ आपने एक चीज पढ़ा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना उस ज्यादा चार्ज स्टेबल. तो यहाँ पे हाँ तो देखो ना, चार्ज ऑक्सीजन 3.5 वाले पे ही है, लेकिन इसके हाँ पास सर. रेजोनेंस भी है, मतलब इट इज हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा. तो ज्यादा स्टेबल हाँ होएगा. ज्यादा और यहाँ पे स्टेबल मैंने होगा. मैंने यहाँ पे ये प्लस सुनो, ये बताना भूल गया था मैं, ये बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन अटैच है, तो यहाँ पे भी भर भर के रेजोनेंस है, आया. हाँ इधर शायद भी यहीं से रेजोनेंस. आएगा, ऐसा हाँ दिखाने हाँ लगा हाँ मुझे. रेजोनेंस है सर, बट इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट आएगा ना. किसका? प्लस आई SP2. यहाँ पे प्लस आई नहीं आएगा अभी, तो SP2. वहाँ पे रेजोनेंस चलेगा. अरे प्लस आई हाँ किधर ठीक. से? हाँ हाँ अरे सर नहीं नहीं कुछ नहीं. ओके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक हाँ है ना? तो सबसे ज्यादा तो पहले दो आएगा, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का आएगा, बताओ क्यों? इक्वल आर एस सिखाया हाँ था ना सर. मैंने, जहां पे भी हाँ इक्वल सर. आर एस होगा. या फिर ऐसे मान लो, मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ना, 8 कार्बन के नेगेटिव चार्ज से ज्यादा स्टेबल होता है, समझे? हाँ सर. हाँ सर. मतलब 8 कार्बन जितना दर्द सह सकते हैं ना, हाँ उतना ऑक्सीजन अकेला सहता है, हाँ सर. समझे? सर ओके सर. क्योंकि हाँ सर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा होती है. ओके, देखो अभी इधर नेक्स्ट, तो दूसरा हो गया, उसके बाद पहला है, क्योंकि पहले में रेजोनेंस है, नो डाउट. ये पॉइंट सब में कॉमन है, ये 3.5 वाला देखो ना, इसमें 3.5 है ना नाइट्रोजन का हाँ सर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इसके पास प्लस क्या है, रेजोनेंस है, तो इसीलिए ये सेकेंड टाइम रेजोनेंस. है. ठीक अब बचे अपने ये तीन स्ट्रक्चर, राइट? हाँ तो ये तीन में सबसे ज्यादा सर. स्टेबल थर्ड वाला हो थर्ड जाएगा, क्योंकि वाला उसको कोई होएगा. रेफरेंस नहीं है, और फिर उसके बाद फोर्थ वाला हो जाएगा, और फिर लास्ट में फिफ्थ वाला आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा.
ठीक है सर, बराबर। हाँ हाँ सर, किसी पे डाउट है, किसी में डाउट है? नहीं सर। अगर ये चेन ज्यादा बड़ी हो गई मतलब ये C2H5O- है ना, तो हाँ, अगर तो ये और कम चेन होगा। थोड़ी सी वो और कम हो गया तो फिर वो NH2 आगे आ सकता है ना, मतलब अगर जो नहीं वो नहीं ज्यादा नहीं बड़ी चेन। NH2 की औकात नहीं है कभी कि वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हरा सके, समझ अच्छा गए? हाँ, ठीक है। मतलब हाँ ऐसा डायलॉग है, बुरा मत मानना। एक एम्स वाला कितना भी पढ़ ले हाँ वो IITM को बीट नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। ये सिलेबस ज्यादा है ना उनका, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है? और ये तो पावर चाहिए तो वो भी बता देता हूँ। ऑलमोस्ट ऑक्सीजन 3 नाइट्रोजन के इतना पावरफुल होता है। अच्छा ठीक है। ये सब बहुत अंदर वाली बात है, आपको इतना जानना नहीं है, बट मैं बता हाँ देता हाँ हूँ। हाँ चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। HC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और यहाँ पे ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। चार्ज। अच्छा देखो ना, एक सिंपल बात बताओ तुमको, इसी को है ना वो कॉन्जुगेट। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में दे देगा सिमरन, यहाँ पे एच लगा देगा, एल हाँ यहाँ पे एच कॉन्जुगेट लगा, एसिड हाँ में। पूछ देगा कौन सा हाँ पदार्थ है, तो तुम हाँ फिर कॉन्जुगेट उसका, बना के करोगे। हाँ हाँ समझो समझो। इसका फोर वन टू फोर वन फोर थ्री मुझे नहीं। फोर वन टू और ये 3, डन। आदि हाँ सर, मेरा भी यही था, लेकिन मेरा कंफ्यूजन था सेकंड एंड थर्ड वाले में, मतलब हाँ फोर मेरा वन यहाँ पे था कंफ्यूज, और हाँ सर। मेरा भी ओके ओके चलो, तो फिर मैं बताता हूँ। मतलब मेरा आएगा सबसे पहले फर्स्ट आएगा, और फिर उसके सर। बाद हाँ ठीक है फोर्थ सर। आएगा, फिर उसके अच्छा बाद थर्ड थर्ड आएगा, और सबसे लास्ट सेकंड आएगा। ओके हाँ, और सेकंड में। अच्छा तो देखो मैं तुमको फर्स्ट बताता हूँ। फोर्थ। सबसे पहले है ना, मैंने क्या बोला था, दर्द किसके ऊपर है उसको देखो, बाद में इफेक्ट इफेक्ट देखने का, राइट हाँ ना? सर। अच्छा नहीं सर, सब में समझे अभी कार्बन पे इसे? ही है अरे अभी। सुन अरे सुन सुन, अरे सुन ना पहले मेरा बात तो हाँ सुन हाँ ना। हाँ सर, सब हाँ सर, हाँ सर। में कार्बन पे आइटम सेम है बिठाना, तो मैंने क्या बोला था, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का, हाँ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बता पहले। क्या है पहले वाले हाँ का। सर, SP बाद में सेकंड वाले का SP2, बाद में ये भी SP2 और ये भी SP2। अच्छा आदि, ये वाला डायलॉग सिखाया था ना, इसका एक लोन पर काउंट नहीं होता, हाँ सर, हाँ सर। नहीं तो sp3 निकाल के लेके आते बच्चे। तो देखो ये तो ऐसे ही जीत गया ना, हाँ सर। नहीं समझे? चलो एग्जांपल देता हूँ। अपने पास है ना 4 बर्ड हैं, तो अपन कंपटीशन देख रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा तेज उड़ सकता है, और सबके बच्चे ही हैं। तो उसमें एक हॉक है, टर्न आ रहा है, उसमें एक पिजन है, उसमें एक हेन है, और एक कोई और ले लेते हैं, पैरट ले लेते हैं। तो ऐसा कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ज्यादा जीतेगा। अरे तो पहले ना आप उनको चेक कर लो कि वो लोग हैं कौन। अब ऐसे देखोगे कि सबके पास बर्ड है, तो बर्ड तो सबके पास है, सबके पास नेगेटिव चार्ज है, सबके पास फेदर्स है, सबके पास पंख है, सब है, वो नहीं चेक करना। अपने को ये चेक करना है कि वो है कौन, बराबर ना? तो पहले तो हॉक है, उसका तो कंपटीशन ही नहीं है किसी से, पता है ना? जब बारिश होती है तो वो बादल के ऊपर उड़ता है, पता था कि नहीं ये बात आप लोग? हाँ सर। जब रेन आती है ना तो क्लाउड्स के ऊपर चले जाता है, उधर उड़ता है, और फिर रेन चली जाती है तो नीचे आ जाता है। तो वो तो सबसे अलग है, मतलब अपना पहला जो कंटेंडर है ये सबसे अलग है, राइट? हाँ सर। फिर दूसरा आते हैं ये सब, तो ये सब में बहुत सर सिमिलैरिटी है। आवाज कम आ रही है थोड़ी। एक सेकेंड, अभी आ रही है प्रॉपर? हाँ ओके, तो एक sp2 है, sp2 sp2, बाकी सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, राइट? अब देखते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन के साथ प्लस पॉइंट क्या है। इसे
तो चौथे वाले में हाइब्रिडाइजेशन के साथ प्लस पॉइंट उसका रेजोनेंस का दुकान, रेजोनेंस है, तो इसीलिए देखो वो सेकंड पे आ गया, राइट। हम्म, अब सेकंड और थर्ड में देखना है, तो सेकंड और थर्ड में क्या है, ये माइनस आई लगा रहा है इसके ऊपर, रहा ना थोड़ा बहुत माइनस आई लगाएगा, लेकिन इसके ऊपर तो ये सारे ग्रुप पूरे माइनस आई लगाने वाले है ना। अच्छा हाँ, लेकिन याद रखना इस ये रेजोनेंस में नहीं है, ये प्लेन में है, रिंग के प्लेन में। हाँ, इसलिए मैं बोल रही थी वो कॉन्जुगेट रेजोनेंस, नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं लगेगा इसमें। हाँ सर, ठीक है। तो आंसर समझ में आ गया ना। हाँ सर। अब ये देखो ये सब एम्स लेवल के हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक आग दो आपको ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक आग का ऐसे नीट में आ जाए। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और सिमरन मेरा तो कैसा है ना, मैं पढ़ाता हूँ ना पूरा, तो उसको बोल देता हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा ना नीट का वो नोट्स में से रहेगा। सर मतलब तुम इसका इतना प्रैक्टिस कर लोगी ना कि कुछ बाहर का तुमको लगेगा ही नहीं। सर इसका 1 2 3 4 होएगा क्या? अरे बहुत जल्दी बोल दिया है। 1 2 1 2 3 4 1 बहुत फास्ट आंसर दिया आदि ने। सर देखो मैं क्या सोच रहा था, वो दो वो फर्स्ट वाले के अंदर दो ऑक्सीजन है तो वो दोनों खींचेगा, अभी सेकंड में जो एक ऑक्सीजन खींचेगा, थर्ड वाले में एक ऑक्सीजन खींचेगा प्लस एक उसको एक प्लस आई इफेक्ट मिलेगा, और तो जो उसकी लास्ट स्टेबिलिटी कम वाला हो है, जाएगी, राइट। हाँ थर्ड सर, वाले में प्लस आई की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी। एंड जो लास्ट वाला है सर उसके अंदर उसमें उसको प्लस माइनस मिलेगा, लेकिन आया वो इफेक्ट कम होएगा वो माइनस वाले का, माइनस आई का। सुनो, कभी कभी है ना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि तुमको है ना ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा, कोई माइनस आई भी लगा रहा है और कोई प्लस आई भी लगा रहा है, तो उसमें है ना प्लस आई जीतता है, याद रखना। हाँ सर। माइनस आई और प्लस आई में डोमिनेटिंग कौन होता है? प्लस आई, ठीक प्लस है। है। हाँ सर। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, ये ग्रुप माइनस आई लगा रहा है और और ये ये प्लस आई प्लस लगा है रहा है, तो तो जीतेगा प्लस कौन? आई जीतेगा। हाँ सर। समझा? बोलते हैं ना सच और झूठ में सच की जीत होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव जीतता है, माइंडसेट, राइट। चलो नेक्स्ट, सही था ना सर? तो नेक्स्ट क्यों किया? सर मेरे को क्या पता हाँ सर, आदि, मेरे को बस सुनने का था कि सही किया है एकदम। तारीफ होना चाहिए, कुछ हो हाँ क्या सर नहीं वही। तारीफ। अच्छा, NO2 का स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हमेशा ऐसा ही रहता है, उसके नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज होता है, याद रखना हमेशा। हाँ सर। बाय द वे सिमरन, तुमको हाँ तुमको पता है ये जो आदि पढ़ रहा है ना, इसके मॉम डैड दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा, हाँ, इसकी मॉम न्यूरो, अरे नहीं क्या मॉम आदि, रेडियोलॉजिस्ट है सर। हाँ अरे मतलब वही भूल गया मैं, हाँ सर। एक वो मेरी स्टूडेंट है डैड उसके डैड न्यूरोलॉजिस्ट है, तो मेरे दिमाग में बार बार वही आ जाता है, डैड इसके ये है कार्डियक है, कार्डियोलॉजी। हाँ सर। कार्डियोलॉजिस्ट है। कार्डियो सर्जन नहीं, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट। स्पेशलाइजेशन। नहीं नहीं अच्छा। कार्डियोलॉजिस्ट है। दोनों डॉक्टर हैं, इसकी बहन है बड़ी वाली, वो भी MBBS कर रही है, कौन और सी ईयर में? फर्स्ट अभी फर्स्ट ईयर में ही है, ईयर है। हाँ मतलब और फिर ट्वेंटी अभी ट्वेंटी का एग्जाम दिया। अभी फिर इसका नंबर है, अरे अभी देखते हैं ये डॉक्टर बनेगा ही क्या बनेगा। सर कौन से डॉक्टर कॉलेज ही में है? बनूंगा? कौन से हाँ, कॉलेज में है इसकी दीदी?
डीवाई पाटिल में ये अपने इधर वाला या पुणे वाला? ये इधर वाला, इधर वाला ही। अच्छा, तो ये क्या बोलते हैं सिब्रिन, तुमको कम किस में आया था, केमिस्ट्री में ही? नहीं, मेरे को बायो में कम आया था, बाकी सब में ज्यादा आया था। अरे तब तो सही है यार, तो इस बार तू मेहनत कर लेना थोड़ा, आ जाए। अरे मैंने पढ़ाई नहीं की थी 3 महीने। क्यों? अच्छा हाँ, डाइट से बात हुआ था बराबर। वो बहुत ये हो गया था मेरे को पढ़ पढ़ के, वरना 600 प्लस तो आराम से था, सारे मॉक टेस्ट में आते थे। गुड गुड, चलो बताओ ये 1 2 3 4। 1 3 1 3 एक सेकेंड, 1 3 4 2 1 3 4 2 नेगेटिव 1 3 1 3 4 2 राइट। या डन 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 डन, गुड, दोनों लोग राइट हो गए, मतलब मेरे को डिफिकल्ट देना पड़ेगा थोड़ा। टू थ्री वन फोर हाँ सर, वो 2 3 1 टू थ्री वन फोर प्रॉब्ली। अभी होशियार हो गए तुम लोग? हाँ चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। चलो बताओ सिमरन, 1 एंड 2। सर वन मोर देन टू। हाँ सर, वन एक सेकेंड सर, वन मोर देन। रीजन रीजन सिमरन बोलो। ये क्या था? अरे ये क्या बोलते हैं, ये तो इधर पे कार्बन एंड क्लोरीन का जो बॉन्ड जो बना है वो क्या बोलते हैं, टूपी टूपी वाला है? नहीं कौन, वो तो टूपी टूपी तो फ्लोरीन है। अच्छा अरे हाँ सर, हाँ हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन होगा सर, तो टूपी टू सर, तो टूपी टू सॉरी सेकंड वाला बेटर होएगा फर्स्ट वाले से ना सर, बिकॉज़ वो टूपी टूपी और बाद में क्लोरीन वाला 3P2P है सर। वो मुझे CHCl3 के वजह से पता है, मे बी मतलब क्लोरोफॉर्म और ये सर, ऐसा कैसे सर? हाँ हाँ, क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म ज्यादा एसिडिक होता है, राइट? हाँ मतलब मैंने वो टेस्ट किए थे तो उसमें देखा था। तो सुनो आज मैं तुमको रीजन बताता हूँ, आदि तू भी सुनेगा ना तो बोलेगा अरे हाँ सर, हाँ सर भूल गया मैं। क्लोरीन का ये बैक बॉन्डिंग, हाँ सर, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होता है। अरे हाँ सर भूल गया मैं, इधर डी ऑर्बिटल नहीं होता, नहीं होता। बराबर ना? अरे सर मेरा ये था कि मैं बॉन्डिंग के हिसाब से जाऊँ कि वो खाली ऑर्बिटल का था, लेकिन हाँ सर समझ गया मैं। चलो और एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, देखो यहाँ पे सर, बैक बॉन्डिंग से क्या क्या होता है, मतलब एसिडिटी इंक्रीज होती है, बेसिसिटी? सिंपल चार्ज स्टेबल होता है, चार्ज स्टेबल होता है सिर्फ चार्ज बैक बॉन्डिंग। अच्छा। हाँ अगर यही ऐसा होता ना, जरा देखो अभी जरा थोड़ा खतरनाक है ये, अगर ऐसा होता ना अभी, तो अभी है ना ये ज्यादा स्टेबल हो जाता। हाँ मैं वही बोल रही थी। क्यों पता है? अब ये बैक बॉन्डिंग इजिली करेगा क्योंकि इसका लोन पेयर 2P में और कार्बन भी 2P है और यहाँ पे क्लोरीन 3P होगा, समझे? हाँ तो बैक बॉन्डिंग वाला जो फंडा है ना, कल की क्लास में पढ़ाया है। अच्छा ठीक है मैं देख देख लेना ऐसा है। कैसा होता है बताए सिमरन, एक अच्छा टीचर मिलना चाहिए बस, एक अच्छा टीचर मिल गया और बस रिवाइज कराना चाहिए, आप रिवीजन करना चाहिए बस, बाकी बहुत आसान होता है। मैं तो बोलूं मतलब एसएससी ग्रेड वाले बच्चे जो महाराष्ट्र का एग्जाम होता है, इधर स्कोरिंग समवेट अराउंड 80-85% ना, और तीन अच्छे टीचर मिले हैं उन लोग को, एक केमिस्ट्री वाला, एक
बायो वाला और एक फिजिक्स वाला, तो मेरे ख्याल से दे कैन इजीली स्कोर 600। डिसेंट बच्चा रहना चाहिए, डिसेंट मतलब क्या था, क्लास से आए, जो क्लास का काम है वो करे और एक रेगुलर रिविजन का शेड्यूल बना ले। एक्चुअल में ना ये माइंडसेट होता है 2 साल का, अगर आप बीच में डाइवर्ट हुए ना तो एग्जाम नहीं क्लियर होता, छोटा छोटा डाउट क्रिएट होता है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। और ऊपर से टेस्ट सीरीज में वो लोग बहुत हार्ड क्वेश्चन डालते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, जबकि एग्जाम में इजी आता है। नहीं, एग्जाम में तो फिर वो ज्यादा करके जाने के बाद बेसिक से क्लियर नहीं रहते, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व रहते हैं, मतलब नहीं भी पता रहता है तो याद रहता है। सिमरन तुम्हारा क्लासेस का गलती नहीं है, पिछले 2-3 साल से पेपर आसान आ रहा है, सोचना मत इतना एक्चुअल में आसान आता नहीं है। तो कोविड एक्चुअली एनटीए के पेपर क्लासेस में हम लोग को नहीं करवाया गया था, एनटीए ने बहुत सारे पेपर दे दिए थे लॉकडाउन के लिए और उन्होंने आईआईटी के भी क्वेश्चन डाल दिए थे हमारे में, तो इसकी वजह से वो हर क्वेश्चन हर पेपर में रिपीटेड था, तो आई थॉट कि आएगा ही अपने पेपर में।